देख रहे हैं पंजाब के श्री टीवी में हूँ आपके साथ विकास मैल और इस समय मौजूद हैं करनाल के एक पेट्रोल पंप पर जहां पर आज पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंप हड़ताल पर गए हुए हैं। वहीं हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मशीनों पर साफ तौर पर जो एक हड़ताल का पोस्टर चिपका दिया गया, हरियाणा के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। 15 नवम्बर सुबह 6 बजे से 16 नवम्बर 6 बजे तक पेट्रोल डीजल की खरीद बिक्री नहीं होगी। विदेश से अन्य प्रकार का तेल बेस ऑयल मंगवा कर प्रदेश स्थित गोदामों में उसे बनाए नकली डीजल की बिक्री रोकी जाए और अन्य इस प्रकार की कई मांगे हैं जिनको लेकर जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से जो हड़ताल की गई और जिसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पेट्रोल पंप सुनसान पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बैरिगेटिंग पेट्रोल पंप की तरफ से कर दी गई है ताकि कोई लोग अंदर ना आए आ पाए और उन्हें बार बार परेशान ना करें। और जो पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो 24 घंटे ये हड़ताल रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो आम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। और जो कुछ यहाँ पर लड़कियाँ आप देख सकते हैं कि किस पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन उन्हें पेट्रोल नहीं मिल रहा और यहाँ पर जो कर्मचारी है वो भी यहाँ पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि साफ तौर पर जो 24 घंटे के लिए यहाँ पर हड़ताल। क्या क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा? नहीं सर, आज के लिए बंद रहेगा, कल सुबह 6 बजे चालू करते हैं। कल सुबह 6 बजे? हाँ सर। एक एसोसिएशन की तरफ से कहा जा रहा है अभी शाम 6 बजे तक खोल दी जाएगी, क्या निर्णय कल सुबह 6 बजे तक रहेगी? हाँ, कल सुबह 6 बजे तक। तो कोई आप किसी को दिया नहीं जा रहा? नहीं, कोई एमरजेंसी भी कल आएंगे उनको देंगे? एमरजेंसी में एम्बुलेंस को दिया जाएगा, जो भी एमरजेंसी केस होगा उसको दिया जाएगा तेल। तो आप देख सकते हैं कि जो कुछ लोग भी यहाँ पर पहुँचे, क्या कहेंगे, आज पेट्रोल तो बंद है, कैसे करेंगे पेट्रोल? ये देखो जी, हर बंदा अपना मतलब निकाल रहा है और कोई बात नहीं है। जिसको ने काम करवाना वो कहाँ जाए। ये कहते हैं जी बाहर की जो सरकार है उसने जो रेट, पंजाब गवर्नमेंट ने जो रेट रखे हैं वो रखे हैं, वो पागलपंती कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो इनको क्या दिक्कत है? पब्लिक को कहीं ना कहीं से तंग करना ही है इन्होंने। तो आप देख सकते हैं कि कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पर पहुँचे हैं नजर, उनसे क्या कहेंगे, अंकल जी पेट्रोल नहीं मिल रहा? नहीं भैया, यार किसी को खड़ा ना करो। क्या करा बाबा, सील कर दो तो उठा के ना, कोई भी सरकार हो चाहे कोई भी उठा के सील कर दो। अब पेट्रोल सस्ता हुआ उसके बाद जो नुकसान हुआ है पेट्रोल डीजल डीलर हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है, और नकली जो डीजल है उसकी मांग अभी नकली, सारे नकली है, सब सारा नकली हो रहा जी, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो असली है। तो आम लोगों को तो दिक्कत हो रही है? सारी दिक्कत हो रही है, उन्हें क्या फर्क पड़ा है? अब आपको कहाँ से कहाँ जाना था? मत बहुत दूर जाना। तो अब पेट्रोल नहीं है ना, तो कैसे जाएंगे? क्या जाना था, बस खड़ी रहेगी अपना, यहाँ रास्ते में बंद होगी तो होगी, तो अब क्या करेंगे? इस पेट्रोल तो पेट्रोल से ही चलेगी। पहले नहीं पता था आपको भी? नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो आम लोग हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। कुछ जो लड़कियां यहाँ पर पेट्रोल डलवाने पर क्या कहेंगे, आज पेट्रोल डलवाने आए थे मिला नहीं? नहीं भैया, पेट्रोल ही नहीं मिला, अब इतना दूर काम के लिए जाना है, कैसे जाएंगे? क्या कह रहे हैं? कह रहे पेट्रोल मिलेगा नहीं, स्ट्राइक है। तो ये तो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है ना, स्ट्राइक है उनके लिए करे, हम नॉर्मल लोगों के लिए क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? सो आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट कि हमारे लिए कुछ करे, हमारे लिए हेल्प करे, हमारे बारे सोचे, क्योंकि हम जनता है, हमारे लिए क्यों प्रॉब्लम हो रही है? हम स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, अब हम घर तक या फिर ट्यूशन तक भी कैसे पहुँचे? देखो बुक्स नहीं हूँ मैं, पहले नहीं पता था आज हड़ताल नहीं, नहीं। तो कल तक रहेगी हड़ताल, आप कैसे जाएंगे? वही तो हेल्प, मैं वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारा थोड़ा सा ही पेट्रोल चाहे डाल दे ताकि घर तक तो पहुँच जाए हम, अब रास्ते पर कैसे जाएंगे? तो ये गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। बंद हो गई है ऑलमोस्ट। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कहीं ना दिक्कतों में ज़रूर है, और जो आम लोग हैं उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो पेट्रोल पंप जो मालिक है उनकी तरफ से जो बैरिगेटिंग यहाँ पर फिलहाल कर दी गई है, और जो बैरिगेटिंग करने के बाद भी जो कुछ लोग अंदर आ रहे हैं उन्हें पेट्रोल डीजल यहाँ पर नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जो साफ तौर पर पेट्रोल जो डीलर एसोसिएशन है उनकी तरफ से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की गई है। करनाल से विकास मेहला, पंजाब केसरी टीवी, करनाल।